बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसेरा। डियर स्टूडेंट, इन द लास्ट लेक्चर वी हैड डिस्कस अबाउट गियर एंड गियर सिस्टम। बेसिकली व्हाट इज गियर? अ गियर इज अ व्हील विथ टीथ दैट मैश विथ टीथ ऑफ अनदर गियर। गियर सिस्टम, अ कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर गियर कंस्टिट्यूट गियर सिस्टम। गियर सिस्टम इज़ यूज टू ट्रांसमिट और रिसीव फोर्स एंड मोशन। व्हेन वन गियर ड्राइव्स अनदर गियर, बोथ द गियर रिवॉल्व इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इफ इट इज नीडेड टू टर्न बोथ द गियर इन द सेम डायरेक्शन, अ थर्ड गियर इज दैट इज एडलर गियर इज फिक्स्ड बिटवीन देम। वी ऑल्सो यूज सम ऑफ द यूजेज ऑफ गियर सिस्टम इन आवर डेली लाइफ। वी सी दैट गियर आर यूज इन व्हीकल, बाईसाइकिल, वाइंड अप क्लॉक्स, वॉशिंग मशीन, क्लॉथ ड्राइवर, सेविंग मशीन एट्सेट्रा। वी ऑल्सो डिस्कस सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ गियर सिस्टम। वी सी दैट द साइज एंड नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर डिटरमाइन इट्स वर्किंग। A force applied on small gear will turn the larger gear slowly and few revolution in a minute, but it had great work. On the other hand, a force applied on larger gear will turn a smaller gear faster, but it have less force. Similarly, the speed of driven shaft depend upon the number of teeth on each gear. If a gear having 10 teeth driven a gear with 20 teeth will revolve twice as faster as compared to driven gear, which confirm that the speed of driven shaft depend upon the number of teeth on each gear. So this is all about the previous lecture. Now dear student, in this lecture we discuss about transfer of motion between pulley and gear system. कि किस तरह आपके पास pulley की मदद से, पुली और गियर सिस्टम की मदद से मोशन को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सो डियर स्टूडेंट, देयर आर सर्टेन मशीन दैट फंक्शन ऑन द कंबाइंड मोशन ऑफ पुली एंड गियर सिस्टम। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी मशीन्स हैं जिनमें आपके पास कंबाइंड इफेक्ट पुली और गियर सिस्टम का होता है। गियर और पुली सिस्टम के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से आपके पास, हम इसे फंक्शन लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी डेली लाइफ में क्रेन, बाईसाइकिल, हैंड रेल, विंड अप क्लॉक एट्सेट्रा, ये हमारे पास कुछ ऐसी मशीन्स हैं जिनमें आपके पास पुली और गियर सिस्टम की मदद से कंबाइन इफेक्ट की वजह से फंक्शन लिया जाता है। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्रेन्स को। व्हाट इज़ क्रेन? क्रेन इज़ बेसिकली अ मशीन फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। क्रेन आपके पास एक ऐसी मशीन होती है जिसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, हैवी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मूव करवा सकते हैं। क्रेन में एक्चुअली हमारे पास पुली और गियर सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं? अ क्रेन हैज़ पुलीज एंड गियर सिस्टम टू रेज और लो लोड एंड मूव देम हॉरिजॉन्टली। क्रेन में बच्चों आपके पास दो किस्म के मशीन्स होती हैं, पुलीज एंड गियर सिस्टम, जिसकी मदद से हम चीज़ों को उठाते हैं, हैवी चीज़ों को उठाते हैं और हॉरिजॉन्टली उनको मूव करवा सकते हैं। दिस इज़ द फंक्शन ऑफ क्रेन। अब क्रेन में होता क्या है? अ क्रेन कॉन्टेन अ मेटालिक रोप पासिस ओवर पुलीज। इसमें आपके पास एक मेटालिक रोब होती है जिसको हम केबल वगैरह कहते हैं, जो कि आपके पास एक पुलिस के अराउंड पास होती है। द रोब विंड अराउंड द एक्सल ऑफ व्हील एंड एक्सल। ये जो आपके पास जो केबल होता है, ये आपके पास वाइंड अप होता है किसके अगेंस्ट? आपके पास व्हील के एक्सल के अगेंस्ट आपके पास क्या होता है? वाइंड अप होता है। जैसा कि इसकी आसान एग्जांपल, जैसा कि वेल से हम पानी उठाते हैं, तो जो वेल की जो रस्सी होती है आपके पास, वो एक्सल के अराउंड रोटेट करती है। इसी तरह यहाँ पर भी जो केबल होता है वो आपके पास वाइंड अप हो जाता है अगेंस्ट द व्हील ऑफ एक्सल। नेक्स्ट, द गियर सिस्टम प्रोवाइड द रिक्वायर्ड पुलिंग फोर्स टू रोटेट द व्हील।
इसमें एक गियर सिस्टम होते है जो क्या करते है, फोर्स देता है किसको, ये आपको गियर सिस्टम जो होते है ये आपके पास फोर्स प्रोवाइड करते है, पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करते है व्हील को, इज दैट क्लियर। और इसी पुलिंग फोर्स की मदद से क्या करते हैं, हैवी चीज़ों को उठा सकते हैं या हैवी चीज़ों को हम उठाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द क्रेन। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज बाईसाइकिल। इन बाईसाइकिल द कम्बिनेशन ऑफ गियर सिस्टम एंड व्हील एंड एक्सल आर यूज्ड। बाईसाइकिल में आपके पास गियर सिस्टम होता है, इसके साथ व्हील और एक्सल यूज होते हैं। व्हील एंड एक्सल क्या होते हैं पिछले लेक्चर में आपने देखा। द गियर आर कनेक्टेड विद चेन। बाईसाइकिल के जो गियर्स होते हैं एक्चुअली दो गियर को आपस में एक चेन से कनेक्ट करते हैं। द राइडर अप्लाई मस्कुलर फोर्स टू रोटेट द पेडल अराउंड द क्रैंक एक्सल। एक्चुअली जो राइडर होते हैं जो बाईसाइकिल को चलाता है वो अपनी मस्कुलर फोर्स की मदद से क्या करते हैं, जो बाईसाइकिल के जो पेडल होते हैं उन पर मस्कुलर फोर्स लगाकर उसको रोटेट करवाते हैं। किसी भी एक फ्रंट वाला जो आपके पास होता है उस गियर को वो रोटेट करवाता है। देन द चेन ट्रांसमिट पेडलिंग एक्शन टू द कोक ऑन द हब ऑफ रियर व्हील। यहाँ पर हमारे पास दो किस्म के व्हील होते हैं, एक फ्रंट वाला और एक बैक वाला। तो जो मस्कुलर फोर्स राइडर लगाता है उस मस्कुलर फोर्स वो पेडल के ऊपर लगाता है, पेडल से आपके पास जो फ्रंट वाला गियर होता है वो पेडलिंग फोर्स जो होता है वो आपके पास जो गरारी होती है वो आपके पास सेकंड रियर व्हील जो होता है उसको घुमाने के लिए हेल्प प्रोवाइड करता है। और इसी की वजह से आपके पास जो बाईसाइकिल काजिंग द रियर व्हील टू रोटेट एंड ड्राइव द बाईसाइकिल फॉरवर्ड, इसकी वजह से गरारी की मदद से आपके पास रियर व्हील जो होता है वो आपके पास रोटेट कर लेते हैं और रोटेट करने की वजह से बाईसाइकिल आपके पास फॉरवर्ड मूव करता है। इसके अलावा थर्ड एग्जांपल आ जाती हैं हैंड ड्रिल। हैंड ड्रिल स्टूडेंट आप अपनी बुक में इसकी डायग्राम गिवन है, पेज नंबर 112 पर आप इसको देख सकते हैं। हैंड ड्रिल्स में आपके पास बच्चों म्यूचुअल परपेंडिकुलर दो गियर होते हैं, म्यूचुअल कहते हैं बाहमी, दो आपके पास आप डायग्राम में देख सकते हैं आपको क्लियर हो जाएगा। हैंड ड्रिल में आपके पास दो परपेंडिकुलर गियर आपस में कनेक्ट होते हैं। द हैंड ड्रिल कंसिस्ट ऑफ टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर गियर्स एंड आर यूज्ड टू मेक होल इन द ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ वुड प्लास्टिक और अल्मोनियम। और उस एक्चुअली उसकी एक गियर को हम रोटेट करते हैं तो उससे आपके पास उसके साथ जो म्यूचुअल परपेंडिकुलर जो दूसरा गियर होता है उसकी मदद से आपके पास दूसरा भी रोटेट कर लेते हैं, जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ के अंदर होल्स वगैरह करते हैं, लाइक वुड प्लास्टिक या अल्मोनियम वगैरह के अंदर हम क्या कर लेते हैं, होल वगैरह कर लेते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ विंड अप क्लॉक। अ गियर सिस्टम इज़ यूज इन विंड अप क्लॉक। जो विंड अप क्लॉक होते हैं उसमें आपके पास गियर सिस्टम यूज होते हैं। विंड अप क्लॉक में जो मेन स्प्रिंग होते हैं उसको अगर हम रोटेट करवा देते हैं, वाउंड करवा लेते हैं, व्हेन द मेन स्प्रिंग इन द क्लॉक वाउंड अप एंड रिलीज, अगर हम मेन स्प्रिंग को वाउंड कर लेते हैं और रिलीज कर लेते हैं वो ऑटोमेटिकली अनवाइंड हो जाता है और जिसकी मदद से आपके पास जो गियर्स उसके अंदर होते हैं वो आपके पास मोशन में आ जाते हैं और उनकी मोशन से आपके पास हर मिनट और सेकंड की जो सुइयां होती हैं वो मोशन में आ जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द विंड अप क्लॉक। तो डियर स्टूडेंट आई होप आपको आज के लेक्चर में मेन पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। तो चलिए एक बार फिर हम मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर के हमारे फर्स्ट मेन पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ मोशन बिटवीन पुली एंड गियर सिस्टम। एज यू नो दैट देयर आर सर्टन मशीन दैट फंक्शन ऑन द कंबाइंड मोशन ऑफ पुलीज एंड गियर सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल क्रेन, बाईसाइकिल, हैंड रेल, विंड अप क्लॉक एट्सेट्रा। सेकेंड मेन पॉइंट इज क्रेन्स। वॉट इज क्रेन?
इट इज़ अ मशीन फॉर मूविंग हैवी ऑब्जेक्ट बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. अ क्रेन हैज़ पुलीज एंड गियर सिस्टम टू रेज और लो लोड एंड टू मूव देम हॉरिजॉन्टली. अ मेटालिक रोप पासिस ओवर द पुली. द रोप wind around the axle of wheel and axle. The gear system provide the required pulling force to rotate the wheel. This pulling force enable the pulley system to lift the heavy load. Third main point is bicycle. In bicycle, the combination of gear system and wheel and axle are used. The gear are connected with a chain. The rider apply muscular force to rotate the pedal around the crank axle. The pedal in turn the fix to change ring. Chain then transmit the pedaling action to the cog on the hub of rear wheel, causing the rear wheel to rotate and drive the bicycle forward. Fourth main point is handrail. A handrail consists of two mutual perpendicular gear and is used to make hole in the object made up of wood, plastic or aluminium. And the last one, wind up clock. A gear system is used in wind up clock when the main spring in the clock is wound up and released. It unwind and drives the gears that transmit motion to hour, minute and second needles. Now dear student, come to the homework. Dear student, you should answer this question that differentiate between pulley system and gear system. आपको जो notes provide किए हुए हैं वहाँ से भी इसका answer आपको मिल सकता है और इसको आपने practice copy के ऊपर लिखना है. So, आज के lecture में इतना ही. I hope all main point is clear now. If you have any question, you may ask. Thanks. Allah Hafiz.